खबर ग्वालियर से है, जहां कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश हैं कि महाराज बाड़ा को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन नगर निगम के आला अधिकारी और छोटे छोटे कर्मचारी कोर्ट के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसके कारण कार्रवाई सफल नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण है कि ग्वालियर जिले में नगर निगम के इन अधिकारियों के इशारे पर अवैध वसूली की जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो रोज फुटपाथ लगाते हैं वो कह रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्वालियर का हृदय स्थल महाराज बाड़ा पर मामूली सा इंस्पेक्टर शुगर सिंह, अनु शर्मा और मुरार में शैलेंद्र चौहान और अटवाल सिंह यादव की हिटलर तानाशाही देखने को मिल रही है। महाराज बाड़ा पर अधिकारियों की तानाशाही, कोर्ट के आदेशों का नहीं किया जा रहा पालन, अधिकारियों के इशारे पर होती है अवैध वसूली। महाराज बाड़ा से वसूले जाते हैं 20 से 25 हजार रुपए। शासन और प्रशासन पर उठ रहे सवाल। लोगों का कहना है कि पूरे ग्वालियर में नगर निगम अवैध वसूली करता है, सिर्फ महाराज बाड़ा से 20 से 25 हजार प्रतिदिन और पूरे ग्वालियर से 1.25 से 1.5 लाख प्रतिदिन वसूली होती है। आलम तो ये है कि यदि कोई ठेले वाला या फल वाला प्रतिदिन पैसे देने से मना करता है तो उसका सामान जब्त कर दिया जाता है। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया जाता है, पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखना यह है कि नगर निगम कमिश्नर और उनके कर्मचारियों के खिलाफ शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या नहीं। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। दर्शकों, मैं आपको पहले भी एक खबर दिखा चुका हूँ अतवल सिंह यादव को लेकर। यहाँ पर जो महाराज बाड़े पर फुटपाथी हैं, उन्होंने आरोप लगाया था हमसे पैसे की डिमांड की जाती थी, और आज इसी क्रम में यहाँ पर महाराज बाड़े, ये गांधी मार्केट एरिया कहलाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सुवर सिंह जो कि यहाँ पर बाड़े पे इंस्पेक्टर है, वहाँ पर ऐसा लोग बता रहे हैं, यहाँ इनसे पूछूंगा क्या डिमांड करी थी। उनका यहाँ ठेला फेंक गया और इनका यहाँ गल्ला वल्ला जो कैश था वो पटक गया और ठेला उठा के ले गए, माल पूरा पड़ा हुआ है। क्योंकि शाम का वक्त है, गर्मी का समय है इस समय, और इसी समय दुकानदार का धंधे का समय होता है, जो अपना रोजी रोटी कमाए, दो पैसे कमाए। ये लोग गरीब लोग हैं, 100, 200, 500 रुपए रोज कमाते हैं, उसमें से भी नगर निगम की तनख्वाह मिलती इन लोगों को, उसके बावजूद भी ये यहाँ पर अवैध वसूली करते हैं। आइए मेरे साथ, क्या नाम है आपका? केशव यादव जी, क्या करते हो आप यहाँ बाड़े पे? नारियल बेचते हैं अभी। नारियल, तो क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं, वो नगर निगम वाले यार ठेला उठा कर ले गए। नगर निगम, नाम बताओ मेरे को। शुगर सिंह। शुगर सिंह, क्या बोले वो? वो बोले 100 रुपये रोज देना पड़ेगा, नहीं ठेला नहीं लग पाएगा यहाँ। अब कहाँ से, इतनी आमदनी है नहीं है, बाकी जो सब ठेले लगे हैं, जो देखो आप जी देखो 100 रुपये रोज मांग रहे हैं। और आप दोनों ठेले ले गए? जो दोनों ठेले ले गए, जो देखो ये ऊपर रखा है, ये ठेले खड़े हैं, जो ठेले खड़े हैं, ये भी तो ठेले हैं, इनको ले लेगा, इनको ले लेगा, जाता होगा। अपनी इतनी आमदनी नहीं है, इतनी कहाँ से दें अपन? सही बात, दोनों का ठेला लेगा, इसका भी लेगा, मेरा भी लेगा, तुम्हारा भी लेगा। डिमांड करी कितने की? 100 रुपये रोज। 100 रुपये। तो आप देख सकते हैं, दूसरा ठेले वाला उससे बात कराऊंगा। यहाँ पर क्या नाम बताया था आपने? जेसब जाटव जी ने बता रहा है कि इनसे डिमांड करी सुवर सिंह ने 100 रुपये की, जो इंस्पेक्टर है बाड़े पर। बाड़े पर मैं आपको पूरा महाराज बाड़ा दिखाऊंगा, पूरा महाराज बाड़ा, कोर्ट का आदेश है अतिक्रमण मुक्त कराना, लेकिन यहाँ पर महाराज बाड़े पर पूरे ठेले लगे हुए हैं, जो ऐसा लोग वहाँ कहते हैं, मैंने पहले ही सबूत पेश किए थे कि डिमांड की जाती है, और आज फिर सबूत पेश कर रहा हूँ, पूरा महाराज बाड़ा दिखाऊँ, पूरा अतिक्रमण यहाँ पर ठेले लगे हुए हैं। दूसरा यहाँ पर है, ये लगा हुआ है, यहाँ ये देख सकते हैं, ये पूरा फैला हुआ है, और ये इसका ये ठेला लगाता है, गरीब आदमी ओनर है ये। क्या नाम है? आकाश जाटव। क्या करते हो? ये ठेला लगाते हैं, नारे बेचते हैं गांधी मार्केट। तो आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमने आप ठेला उठा के ले गए, पहले चक्कू पका ले गए थे उठा के। कौन ले गए, नाम बताओ? सुवर सिंह। क्या क्या कहते हैं, क्यों उठा के ले गए आपका? ठेले पे आए, 100 रुपये रोज के मतलब चाहिए, तो भी ठेला उठा, ठेले तो भी उठा के ले जाते हैं सबको, जो तो भी भागना पड़ता है सबको। मतलब 100 रुपये रोज मांगते हैं? 100 रुपये रोज। और नहीं दोगे तो ठेला उठेगा? ठेला उठेगा। और ठेले देने दिन और लगे भी हैं, हमारे ही उठा के ले जाते हैं। तो आप देते हो अभी उनको? हाँ देते हैं ना। आज नहीं दिए थे? रोज ही जाते हैं वो तो। आज नहीं दे पाए थे। तो देखा आपने कि आप भाई, आप गर्मी का समय, इस समय आया था, धंधा नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा पैसा तो हमें अभी चाहिए, और नहीं दिए तो गरीब आदमी को परेशान करने के लिए सुवर सिंह इंस्पेक्टर। यहाँ पर मैं अभी महाराज बाड़ा पूरा आपको ले चलूँगा, पूरा घुमाऊंगा महाराज बाड़े पे, कितनी वसूली होती है यहाँ पर, और यहाँ पर ठेले कितने लगे हुए हैं, लेकिन उनके को नहीं उठाया जाता है, क्योंकि वो पैसा देते हैं। गांधी मार्केट ठेले, पूरा महाराज बाड़ा मेरे पूरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा महाराज बाड़ा है, और यहाँ देख सकते हैं पीछे पूरा ये महाराज बाड़ा है, ये पूरा यहाँ महाराज बाड़ा है ये, और यहाँ ये
कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के अतिवन, लेकिन ये देखिए पूरे ठेले यहाँ लगे हुए मेरे देख सकते हैं, पीछे पूरे रोड जाम कर रहे हैं, बीच में ठेले खड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगा बीच में रोड पर खड़े हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं ये लोग, पूरे ठेले देखिए यहाँ से वहाँ तक, थोड़ा मैं कहूँगा कैमरा से करें इधर, ये देखिए पूरे ठेले लाइन से पूरे रास्ते में ठेले लगे हुए हैं, लेकिन इन पर रोड में जो बाधा डाल रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ उन्हीं से लोगों से नहीं बोला जाता है जो पैसे देते हैं, उनसे नहीं बोला जाता, जो देने में मना करते हैं उनके ठेले उठा लिए जाते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं पूरा ये ठेले लगे हुए बीच रोड पे, और किस तरह ट्रैफिक यहाँ जाम हो रहा है आप मेरे से देख सकते हैं पीछे पूरा। ये पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से सीधा, काफ़ी कंजस्टेड एरिया है ये, ट्रैफिक कितना वहाँ पर वो है, यहाँ जाम लगने की पूरी लगते रहते हैं सुबह शाम, लेकिन यहाँ सिर्फ नगर, ना तो नगर निगम कोई कार्रवाई करती है और ना ही पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, पूरे ठेले यहाँ से वहाँ तक लगे हुए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं नगर निगम। अतिपूर्ण मुक्त होना चाहिए, ये कोर्ट के आदेश आप भी जाते हैं, लेकिन आप भी देख चुके बाड़ा खूब लग रहा है, और वहाँ जैसे लोग कह रहे हैं वहाँ पर कि वसूली हो रही है, लेते हमसे पैसा, ऐसा हमसे लोग कह रहे हैं, तो उस पर सर सोगा सिंह नाम के व्यक्ति नाम दे रहे हैं, वो अशोक का नाम दे रहे हैं, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे अगर महाराज? बाड़ा पे जहाँ पे सुभाष मार्केट है, जहाँ पे नजर मार्केट है, वहाँ पे हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। अभी यह तय हुआ था कि जो उसमें जाने वाली रोड है वो अतिक्रमण मुक्त हो, वहाँ पे कोई बैठे ना, बीच में ये कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे थे। हाँ, अगर आपके द्वारा ये नाम बताए जा रहे हैं तो मैं जांच करा दूंगा, और जैसा निकल के आएगा वैसा कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? साहिल। साहिल, क्या काम करते हो आप? पलघर इधर आता हूँ। जानांगा जी डिस्पेंसरी पे। क्या नगर में क्या कितने पैसे किसको देते हो, क्या देते हो? 50 रुपये दे दें। किसको? नाम नहीं मालूम। मना करी आपने? मना करी तो वो कहते हैं टेला डाली करो, फिर वो कह रहा है कि 30 रुपये दे दिया करो। रोज आते हैं? हाँ रोज आते हैं। शाम को 7 बजे करीब आते हैं, 7:15-7 बजे रोज ले आते हैं। सोनू। सोनू, बड़ा पाव ठेला कहाँ लाते हो आप? जनगंज हॉस्पिटल पे। जनगंज हॉस्पिटल? हाँ। तो आज क्या आपके फोन हुआ है, पैसे कितने लगे हैं? तो पूरा बात बताया, पहले 50 रुपये मांग थी, 50 रुपये लगेंगे। कौन क्या था? अशोक चौहान। अशोक चौहान को आपसे किसने मिलवाया? हम मेरा वो आया था डायरेक्ट में, ऐसे जिनसे थे पैसे ले जाता था, दो पलवाले से और एक समोसा का चौड़ी वाले से। जय जनगंज अस्पताल के बगल से ही लगाते हैं। अच्छा, तो उनने देखा देखे, तो फिर हमने भी चालू करने पड़े, फिर मैंने सेठ से बात करी, तो सेठ ने मिल के आए, तो सेठ ने कह दिया हाँ ठीक है दे दे वो करो। तुमने नहीं दिए तो पहले उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ? तो मैंने नहीं दिए तो मेरा सिलेंडर ले गए थे। सिलेंडर ले गए? हाँ। अच्छा, मेरा सिलेंडर ले गए थे नगर निगम जनसे वहाँ ने फोन किया, जैसे गाड़ी आ गई तो मेरा सिलेंडर ले गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं गया उसके वहाँ ऑफिस, जय का कहते अपने बाड़े पे। तो बंसे मैंने पूछी बताई, तो वे कह रहे वह नहीं छोड़ेगा बेटा कल ले आना। मैंने कहा भाई साहब मैंने कच्चा माल है, मैंने रखा है मेरा, तो होते करते मैंने कही ठीक है कल से ध्यान रखना हमारा। फिर वहाँ सिलेंडर दे दिया आधे घंटे बाद। ऑफिस में जय गाड़ी से उतर के गए थे और भाई साहब बैठे थे एक, और मैंने कहा नाम मैं जानता नहीं हूँ। हाँ हाँ, बाड़े पे। हाँ, 50 रुपये मांगे थे, 30 रुपये की बात हुई है, तो 30 रुपये दे रहे हैं रोज, दो दिन से। हाँ, दो दिन से। हाँ